सभी का गायत्री किचन में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाऊंगी कटहल का स्टू। कटहल का स्टू और कटहल की सब्जी बनाने का तरीका अलग होता है। स्टू एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब है सब्जियों को बड़े साइज में काटकर कम मसाले में धीमी आंच पर पकाना। कटहल के स्टू में कटहल की सब्जी के मुकाबले कम तेल मसाला इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें जो हम कटहल इस्तेमाल करेंगे वो थोड़े बड़े साइज का होगा जिसमें बड़े बीज होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। चलिए कटहल का स्टू बनाना शुरू करते हैं। कटहल का स्टू बनाने के लिए हमें थोड़े बड़े साइज़ का कटहल चाहिए जिसके बीज थोड़े बड़े हो। लेकिन जब आप कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं तो कोशिश करें कि छोटे कटहल से बनाएं, उससे सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है। तो हमने कटहल को बड़े साइज़ में काट लिया है और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच सफ़ेद सिरका और डेढ़ चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पर हम कटहल को मैरिनेट कर रहे हैं, इससे हमारा कटहल सॉफ्ट हो जाएगा और मसालों को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा और मैरिनेशन करने से कटहल हमारा जल्दी पक भी जाएगा। तो इन सबको डाल के हम हाथों से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसे ढककर हम रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, कटहल हमारा मैरिनेट हो गया है और अब हम कटहल की स्टू बनाएंगे। गैस ऑन करके मैंने कुकर रख दिया है। कुकर हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 4-5 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज जिसे हमने लंबा काट लिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 3-4 लहसुन की कली और एक मीडियम साइज़ के अदरक का पेस्ट। इसे डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे और अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ कटहल। कटहल डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने कितने कम तेल का इस्तेमाल किया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि मैरिनेशन के टाइम भी हमने हल्दी इस्तेमाल किया था। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। कटहल खाने से एसिडिटी होती है तो अब हम इसमें डालेंगे 2-3 चुटकी हींग, ये बहुत ज़रूरी है। हींग डालने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 2-3 तेज पत्ता, थोड़ा सा इलायची, लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और ये है थोड़ा सा ज़ीरा और इन सबको हम कुकर में डाल देंगे और 2-3 लहसुन की कली, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन के टाइम भी डाला था। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। आधा चम्मच एवरेस्ट का गरम मसाला और इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। कटहल हमारा मैरिनेटेड है, वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो चुका है तो हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है और अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी और कुकर को बंद करके ढक्कन लगा देंगे और सिर्फ 1 सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 1 सीटी होने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था और देखिए हमारा कटहल अच्छी तरीके से पक गया है, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। कम तेल मसाला होने के बावजूद ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। नॉर्मली कटहल को पकाने में टाइम लगता है लेकिन हमने कटहल को सफ़ेद सिरका में डाल के मैरिनेट किया था जिसकी वजह से हमारा कटहल जल्दी पक गया। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे।
कटहल का स्टू बनके तैयार है। रोटी और दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और प्लीज़ घर में रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।